अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज की जो सुबह है वो बहुत उदास है मेरे लिए, और अल्लाह करे मैं आप लोगों को उदास ना करूँ। लेकिन आज मैं अपनी आपसे बहुत पर्सनल बात शेयर करूँगी कि आज 20 मार्च को क्या हुआ था 5 साल पहले। इस बात को जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, 5 साल हो गए कि मेरी अम्मी आज के दिन मुझे छोड़ के चली गई थी। आज उनकी 5वीं बरसी है, लेकिन एक बेटी के लिए माँ का जाना बहुत तकलीफ दे होता है। आज की सुबह बहुत उदास थी, सब कुछ रूटीन के मुताबिक था लेकिन दिल बहुत उदास था। 5 साल पहले का टाइम आपको याद आ जाता है कि जब आपको ये खबर मिलती है कि आपकी, आप अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे जिनकी माएँ हैं, और जिनकी नहीं हैं जब उनकी माएँ जाती हैं तो मुझे ऐसे लगा कि पूरी दुनिया में मैं अकेली हूँ, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। एक माँ होती है छोटे से बच्चे को अपने सीने से लगा के रखती है, उसको पालती है, चाहे बेटा है चाहे बेटी है उसको हर, जब मैं खुद माँ बनी हूँ तो और भी जो लोग माँ बाप बनते हैं फिर पता लगता है कि हम अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं और हमारे माँ बाप हमसे कितनी मोहब्बत करते थे। मेरी अम्मी जो थी एक बहुत पावरफुल खातून थी, उन्होंने बहुत सारी मुश्किलात देखी, उन्होंने ऐसे ही हमें पढ़ाया जैसे हम अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते हैं, ऐसे ही अम्मी ने हमें भी भेजा। मुझे अपनी बचपन की बहुत सारी बातें इसलिए याद हैं कि मैंने अम्मी के साथ, सबसे एंड पे मेरी शादी हुई, छोटी थी तो मेरी अम्मी मेरी दोस्त थी बिल्कुल एज अ फ्रेंड। मेरे भाई मेरा मजाक उड़ाते थे मेरा और मेरी अम्मी का, आप लोग क्या बातें करती हो हर वक्त। एक एक छोटी बात मैंने अम्मी से शेयर करनी और अम्मी ने मुझसे शेयर करनी। माँ एक ऐसा रिश्ता होता है कि उसके अंदर सारे रिश्ते मिलते हैं आपको, बहन भी मिलती है, फ्रेंड भी मिलती है, और सेम वही रिलेशन था मेरा मेरी अपनी अम्मी के साथ। तो आज 5 साल हो गए। माँ पहले आंसू आते थे तो तुम याद आती थी, आज तुम याद आती हो और आंसू निकल आते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे दिल की बात की थी ने यहाँ पे लिख दी है। अम्मी की बात जब भी होती है, उनके जाने के बाद ऐसी सिचुएशन हो गई है कि मैं उनकी उन अम्मी का वर्ड आते ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मेरे परेशान होने पे आप लोगों से मुझे माजरत है। आज का दिन ही कुछ ऐसा है कि मैं बहुत परेशान हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैं अपनी अम्मी के पास होती थी, मैं उनको गले लगाती थी, उनके साथ सोती थी, उनसे हर बात शेयर करती थी। मैं उनको गले लगा के सोचती थी अगर मेरी अम्मी को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो ज़िंदा नहीं रह सकूँगी। और यकीन करें कि 5 साल हो गए हैं उस वक़्त को कि जो गुज़र चुका है, लेकिन अभी भी सोचती हूँ तो बात कर रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वो इतना मुश्किल टाइम था, ऐसे लग रहा था कि ये मुश्किल टाइम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। क्यामत हमने सुना हुआ है कि क्यामत आएगी, लेकिन उस टाइम वो एक क्यामत ही थी। दुख आते जाते हैं जीवन में, लेकिन माँ बिछड़े जिस रोज़ क्यामत होती है। अल्लाह ताला सबकी माँ को सलामत रखे, लेकिन जिनकी माएँ नहीं हैं उनको पता होगा कि वाकई में ये कितना बड़ा दुख होता है। ये नहीं होता कि बेटों को दुख नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने उनके अंदर थोड़ी मजबूती दी होती है। लेकिन जो बच्चियां होती हैं ना, जो लड़कियां होती हैं, कहाँ होता है इतना तजर्बा किसी तबीब के पास, माँ आवाज़ सुनकर बुखार नाप लेती हैं। मेरी शादी के बाद मेरी अम्मी मेरी तबीयत फ़ोन पर आवाज़ सुनते ही पहचान लेती थी जब मेरी शादी हो गई, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है। तो जब माँ बीमार होती है, जब अम्मी बीमार हुई एंड पे 15 दिन वो हॉस्पिटल में रही, उनको सांस का इशू हो रहा था, लंग्स में थोड़ा इशू था उनको, तो बहुत तकलीफ दे लम्हा था। सब बहन भाई खड़े थे, बहुत सारी दुआएं थी, लेकिन अम्मी हमें छोड़ के चली गई थी 5 साल पहले आज के दिन। बहुत दुआएं की, बहुत बहन भाइयों ने कोशिश, भाइयों ने, ऐसे था कि बस दौलत पैसा भी कुछ नहीं था उस टाइम कि हमारी माँ बस ठीक हो जाए और अल्लाह ताला हमें वापस कर दें हमारी मम्मी।
सब बहन भाई अपनी अपनी जगह बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। और अब ऐसे 5 साल हो गए, दिल करता है कि अम्मी की कॉल आ जाए और अम्मी पूछें कैसी हो, जैसे अम्मी पहले पूछती होती थी। लेकिन जो चला जाता इंसान वो वापस नहीं आता, हमने ही उनके पास जाना होता है। तो आज मेरी अम्मी की बरसी है और बहुत ज़्यादा दिल उदास है, तो इसलिए दिल किया कि आप लोगों के साथ शेयर करूं और अपने दिल की फीलिंग्स बताऊं। और जो लोग जिनके माँ बाप नहीं हैं वो समझ सकते हैं, जिनकी माएँ नहीं हैं वो समझ सकते हैं कि वाकई कितनी तकलीफ़ होती है। और जिनके माँ बाप हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, उनको इतना टाइम दे को अपने माँ बाप की खिदमत कर सकें, वरना तो ख्यालों में ही हम माँ बाप से बातें करते हैं, उनको सोच के हर बात उनसे शेयर कर लेते हैं। इतना दिल उदास होता है कई दफ़ा अम्मी ख्वाब में आ जाती हैं, उनके लिए हमें सदका जारी अल्लाह ताला बनाए। बहुत दफ़ा सोच के सोती हूँ अम्मी आप मुझसे मिलना, पढ़ के सोती हूँ तो ख्वाब में आ जाती हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन मैं अपनी अम्मी को याद ना करूँ, कोई लम्हा, कोई खुशी, कोई तकलीफ में तो माँ बाप ही याद आते हैं। जो माँ से महरूम हो जाते हैं वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या खोया, ज़िंदगी के मायने उनके लिए कैसे तब्दील हो गए। बिल्कुल हकीकत होती है, माँ नहीं होती जिनके पास, उनसे पूछो दुख किसे कहते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। तुमको याद कर लूँ तो मिल जाता है सुकून दिल को, माँ मेरी तन्हाई का सस्ता सा इलाज हो तुम। बहुत याद आती हैं माएँ जब चली जाती हैं। अल्लाह ताला सबकी जो सुन रहे हैं कोई परेशान ना हो, जिनकी माएँ हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनकी खिदमत करें ज़्यादा से ज़्यादा। माँ तो माँ होती है जो जानती है आँखें सोने से लाल हुई हैं या रोने से लाल हुई हैं। कितनी हकीकत है इस बात में, हमारे भी बच्चे हैं, मुझे पता लग जाता है कि मेरा बेटा क्यों परेशान है। 5 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, लोग कहते हैं 5 साल में तो भूल जाता है इंसान, संभल जाता है। लेकिन जो माँ बाप का रिश्ता होता है ना, जितना लंबा टाइम गुजरता है वो मज़ीद आपको याद आते हैं, हर लम्हे, हर कामयाबी पे, हर तकलीफ़ में, हर खुशी में जो माँ बाप की कमी होती है। बहुत बहुत क़यामत वाला दिन होता है जब माँ बाप आपसे रुखसत होते हैं। जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनके माँ बाप को जन्नतुल फरदौस में जगह दे। और आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, 3 दफ़ा थोड़ा सा टाइम निकालें, सिर्फ 3 दफ़ा सूरत इख़लास पढ़कर मेरी अम्मी जान के लिए दुआ मांगें, उनकी मगफिरत और उनकी एहसाल सवाब के लिए। आपकी तरफ से थोड़ी सी हेल्प होगी, मदद पहुँचेगी उनको। तो अल्लाह ताला जिनके भी माँ बाप नहीं है दुनिया में उनको हिम्मत दे। तूने तो रुला के रख दिया है ज़िंदगी, जाके पूछ मेरी माँ से कितने लाड थे हमारे। बिल्कुल ऐसे ही माँ बाप चले जाते हैं कब्रिस्तान में, हमारे पास टाइम नहीं होता उनके पास जाने के लिए, और वो हमारे लिए अपनी सारी ज़िंदगियाँ लगा देते हैं। तो मर्द हज़रात को जाना चाहिए हर जुमे अपने माँ बाप की कब्रों पर। तो कल तक लेते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।